बाजी कर रहे हिंदुस्तान के में आ रही है। देखिए वही सुप्रील के बल्ले से निकली उआना 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 ग्रेट शॉट। मास्टर 6 गेंद 21 रन प्रसाद सर ये छक्का मुकाबला में फिर से वापस दिलाते हुए 5 गेंद 15 रनों की जरूरत है। और क्या कमाल की बल्लेबाजी। देखिए सुप्रील मात्रे बता रहे हैं भाई असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या कमाल के छक्के पहली गेंद के ऊपर शॉट ऑफ फुल है यानी उसमें भी सक्सेस। विजय मास्टर 6 गेंद 21 रन प्रसाद सर ये छक्का मुकाबला में फिर से वापस दिलाते हुए 5 गेंद 15 रनों की जरूरत है। और क्या कमाल की बल्लेबाजी। देखिए सुप्रील मात्रे बता रहे हैं भाई असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। क्या कमाल के छक्के पहली गेंद के ऊपर शॉट ऑफ फुल है यानी उसमें भी सक्सेसफुल पूरी तरह से होते हुए। और अभी बात करेंगे 5 गेंद और 15 रनों की जरूरत है। देखिए इसके साथ तीसरा अंपायर है और इसे कहा जाता है प्रसाद सर जलन पर नमक छेड़ना यानी आपने लगा दिए छक्के और उसके साथ मंगवा लिए तीसरा अंपायर। लेकिन कभी कभी क्या होता है तीसरा अंपायर से ना गेंदबाज और भी बेहतर काम कर लेता है तो ये भी एक हो सकता है प्लस पॉइंट है। लेकिन नया गेंदबाज हो तो डर से फिर रास्ता बदल सकता है। मैंने क्या बताया कि कभी कभी गेंदबाज और भी बेहतर कर लेता है तो मेरे हिसाब से शायद देखिए वही दिखने को मिला। लेकिन अभी भी 4 गेंद 15 रन क्योंकि प्रसाद सर काफी हमने टेनिस क्रिकेट में देखे हैं अभी भी देखिए 4 गेंद 15 रन। देखिए यहाँ पर विकेट की बात करेंगे तो अभी भी सुरक्षित है पल्ले टीम। अगर 14 रन भी बनाएंगे ना तो ये मुकाबला को यहाँ पर जो इस नियमों के मुताबिक पहले विकेट से उसके बाद टॉस के ऊपर। और ये देखे उड़ाया गेंद को बंदूक के रफ्तार से गेंद निकले 6 रन। सुप्रील मात्रे के क्या कमाल की बल्लेबाजी। पिछली गेंद डॉट उसके बाद कमाल के छक्का और अभी तक देखिए 6 गेंद के पर था 21 रनों का और 12 रन आता हुआ। चलिए भाई यहां पर आयोजकों की तरफ से सूचना आ रही है डगआउट से शोर शराबा मत कीजिए। बिल्कुल आयोजकों की तरफ से यहां पर कॉल यहां पर आता हुआ तो अभी भी बात करेंगे 3 गेंद और जीत की बात करेंगे तो 9 रनों की जरूरत है। देखिए तीसरा अंपायर मैदान के अंदर क्योंकि इस गेंदबाजी के एक्शन के ऊपर लिया गया है तो यहां पर 3 गेंद अभी भी जीत की बात करेंगे ना। अभी भी यहाँ पर मैं कहूंगा दिल्ली इतनी आसान नहीं है अभी भी काफी दूर है कहीं ना कहीं। लेकिन जिस तरह की सुप्रील मात्रे बल्लेबाजी कर रहे हैं ना लग रहा है एक समय के लिए आसान बना देंगे। और ये देखिए भाई कलाइयों के सारे मोहम्मद आजारुद्दीन की याद दिला दी क्या कमाल की बल्लेबाजी। कहते हैं ना अर्जु है टूटे दिल का मुरब्बा बन गई और इस छक्के को देखने के बाद पल्ले टीम का दिल गार्डन गार्डन। डीजे मास्टर रोकना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे 4 गेंद के ऊपर 18 रन तो जीत की बात करेंगे तो अभी 3 रनों की जरूरत है 2 रन भी बनाते तो इस मुकाबला को जीत सकते हैं। व्हाट अ मैच। तुम जैसे देवलों का तो बिल्कुल बात करेंगे 2 गेंद 3 रन 2 रन भी बनाएंगे तो यहाँ पर विकेट और टॉस देखा जाए तो दोनों कहीं ना कहीं पल्ले टीम के बाजू में तो 2 रन से भी मुकाबला जीत सकते हैं। क्या कमाल की क्रिकेट। देखिए पिछली मैच के रिप्ले देखने को मिल रहा है और 71 रनों की टारगेट को देखिए कैसे यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पर सुप्रील मात्रे ने बता दिया भाई मिटता नहीं मैं किसी दाग की तरह हर वक्त जलता हूँ अंगार की तरह और मेरा ही नाम सुप्रील मात्रे और मेरी बल्लेबाजी की अंदाज है विराट कोहली की तरह। यहाँ पर 1 डाउन पर आए थे अभी तक देखिए रेड की हड्डी के जैसे इस मैदान के अंदर। लेकिन सागाउ टीम इंतजार करेगा 1 डॉट गेन। ये नहीं कहूंगा कि सागाउ टीम ने खराब क्रिकेट खेले क्योंकि टॉस हारने के बाद कमाल की बल्लेबाजी शुरुआत अच्छा रहा। लेकिन आखिरी ओवर देखिए यहाँ पर हरीश मात्रे जिनके ऊपर भरोसा जताया गया था लेकिन वो भी क्या कर सकते हैं प्रसाद सर क्योंकि बल्लेबाज भी आते हैं यहाँ पर चौके छक्के लगाने के लिए
और जिस तरह के यहाँ पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, मैं हमेशा कहता हूं जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आखिरी समय रहो तो फिर आसान बनता है। दो गेंद तीन रन, बराबरी के लिए दो रन। और ये देखिए नजाकत भरी बल्लेबाजी है, प्रसाद सर मजा।